हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, आज है 16th of July और संडे का दिन है आज। और आज संडे के दिन सबको ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि भाई मॉर्निंग लेट हो, क्योंकि आराम से सोने का मन रहता है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वालों को ये मंजूर कहाँ है। तो कल रात को 2:30 बजे के आसपास वोल्टेज हो गया डाउन, है ना, और फैन बंद हो गया चलना, और लाइट वेट सब बंद हो गई। जैसे बाहर का एक लाइट चलता रहता रूम वाला, और बाहर बरसात हो रही है तो मच्छर आ रहे हैं। तो मतलब ऐसा हुआ कि रात में नींद कंप्लीट ही नहीं हो पाया मेरा। तो आज मॉर्निंग बहुत लेट हुई है मेरी, मतलब 9 बजे के आसपास उठा हूँ मैं। रात को 4 बजे के आसपास इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने फ़ोन किया था कि भाई कुछ करो सॉल्यूशन, एक दिन संडे मिलता है उसमें भी सोने नहीं दे रहे। तो उन लोग भी बता रहे हैं, हाँ सर कंप्लेन तो मिल गई हम लोग को 3 बजे से, देखते हैं थोड़ी देर में कुछ करते हैं। और उनका कुछ देर हुआ 6 बजे, 6 बजे लाइट प्रॉपर वापस आई है और मैं थोड़ा सा सुकून से 1-2 घंटे की नींद ले पाया हूँ। और अभी हो गए हैं 9 बज गए हैं, मैं अभी 10 बज गए हैं, 9 तो बहुत पहले हो गया था, अभी 10 बजने वाले हैं। और अमित सर के घर से कॉल आया है कि उनके घर बना है आज के एक टेस्टी ब्रेकफास्ट, तो चलते हैं वहाँ और वहाँ जाकर आपको दिखाता हूँ कि आज भाभी के किचन में क्या स्पेशल बना है, और उसको टेस्ट करके बताएँ कि आपको रिव्यू कैसा रहा उसका। कि वैसे तो टेस्टी ही रहता है ऑब्वियसली, इसमें रिव्यू देने वाली क्या बात है, भाभी को रिव्यू कैसे दे सकते हैं। तो अभी चलते हैं, 10 बज गया, कॉल आ चुका था, मैं नहा धोकर रेडी हो गया हूँ, पूजा वूजा भी कर लिए हैं, तो चलते हैं वहाँ, वहाँ जाकर आपको मिलाते हैं सबसे। दोस्तों पहुँच गया मैं अमित सर के घर और अंदर जाकर सबसे मिलते हैं अभी, और क्या ब्रेकफास्ट होना है आपको दिखाता हूँ। तो भैया जी आ चुके हैं गेट ओपन करने के लिए। और भैया कैसे हो? बस अभी आया हूँ। हेलो दोस्तों, सब बढ़िया? बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अमित सर के घर, और आज के नाश्ते में है आलू पराठा, और इतने सारे टाइप की, ये है मीठी चटनी, ये है दही, रेती की चटनी। तो अमित सर आ चुके हैं दूध लेकर, मैं आया था तो नहीं थे। ये भैया के दोस्त हैं, यहाँ पर आए हैं, हम सब यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हैं आलू पराठा, जो भाभी के हाथ का है, जो बहुत टेस्टी रहता है। तो अभी पहले खा लेते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या टेस्ट है। तो दोस्तों मैं आलू पराठा एंजॉय कर ही रहा था कि अभी मेन्यू ख़त्म भी नहीं हुआ था, और यहाँ पर आ चुका है साबूदाना की खिचड़ी। तो पता नहीं और मेन्यू में क्या क्या है, भाभी जी एक साथ इतना सारा बना लेती हैं इतने कम टाइम में, ये तो गॉड गिफ्टेड टैलेंट ही है उनका। तो अब इंजॉय करते हैं इसको भी और इसको भी, और मैंने टेस्ट कर लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है। मतलब जो ढाबा स्टाइल वाला रहता है ना आलू पराठा, उससे ही बेहतरीन टेस्ट है इसका। तो अभी इसको फटाफट ख़त्म करता हूँ मैं, फिर आपसे आगे बात करता हूँ। चाय पियोगे? इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। और यहाँ पर हमारे भैया जी आ चुके हैं अपनी स्पेशल चाय लेकर। आज की चाय में क्या क्या स्पेशल इंग्रेडिएंट्स डाले हैं भैया? इसमें भैया अदरक, इलायची, काली मिर्च, और ये तो घर में ही मसाला चाय बना दिया भैया जी, थैंक यू भैया। वेलकम वेलकम। तो दोस्तों मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है, और एज प्रॉमिस्ड मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में भाभी जी का फेस रिवील करने वाला था। तो आज आ चुकी हमारे व्लॉग में भाभी जी। हेलो भाभी जी, आज का ब्रेकफास्ट बहुत ही टेस्टी था, और थैंक यू उसके लिए। और डेली ऐसे ऐसे जो आप लंच भेजती हैं, आप ब्रेकफास्ट जो भी खिलाती हैं, उनके लिए थैंक यू। और मैं पूछना चाह रहा था कि आप में ये टैलेंट कहाँ से आया, और कब से इंटरेस्ट आया कि आप मतलब इतना अच्छा टेस्टी खाना बना लेती हैं? बचपन से इंटरेस्टेड है। भाभी बता रही थी कि ना बचपन से मम्मी जो खाना बनाते देखती थी ना, तो उनको इंटरेस्ट आता था अंदर से, तो फिर धीरे धीरे ना यूट्यूब वगैरह से भी वो थोड़ा से रेसिपीज वगैरह सीखती हैं, फिर उसमें अपना तड़का डालकर उसको और स्पेशल बनाती हैं। तो आज भाभी जी से आप सबकी मुलाकात भी हो गई, मेरी तो होती रहती है, और ये भैया जी हैं और उनके दोस्त भी बैठे हैं। हम लोगों ने आज आलू पराठा इंजॉय किया, बहुत बेहतरीन था जिसका टेस्ट। और उस दिन जैसे शाम को आए थे, तो उस दिन भी जो मोमोस और मिर्ची भजिया ये सब बना था वो भी बहुत टेस्टी था। तो उस दिन भाभी जी क्या फिर से रेडी नहीं थी, उस टाइम थोड़ा काम में बिजी थी, तो ना उस दिन मैं फेस रिल नहीं कर पाया था, लेकिन आज आप सबसे मिला दिया हूँ। अब मिलते रहेंगे और ऐसी टेस्टी टेस्टी फूड हमको भाभी खिलाते रहेंगे। भाभी जी आप कुछ कहना चाहेंगी? थैंक यू। ओके, तो भैया जी आपको कुछ रिकमेंड करना चाहते हैं, प्लीज उनकी बात मान लीजिएगा। तो दोस्तों भाई चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू भैया, ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए मुझे कि मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट बना सकूं। और आप लोगों से बहुत मोटिवेशन मिलती है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के ब्रेकफास्ट के लिए वन सेकेंड थैंक यू। तो गाइस मैं वापस आ चुका हूँ अपने रूम, और इस ब्यूटीफुल व्यू को इंजॉय करने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर आ गया था। हल्की हल्की बारिश हो रही है, अभी भी रुकी ही नहीं है सुबह से, जो मतलब रात से जो बारिश हो रही है कल शाम से, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, थोड़ी सी कम होती है।
फिर से तेज़ बारिश हो जाती है, देख सकते हैं अभी बादल है बहुत सारे। तो अभी आ गया रूम, थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ। जो आज का ब्रेकफास्ट बहुत ही टेस्टी था, तो अब टेस्टी ब्रेकफास्ट करने के बाद लग रहा है थोड़ा सा सो जाऊँ, कि रात में अच्छे से नींद हुई नहीं है कंप्लीट। उसका देखते हैं आगे का प्लान बनता है, हो सकता है मूवी वगैरह के लिए भी जा सकते हैं आज, कोई अच्छी सी मूवी लगी हो तो उसको पता करता हूँ पहले क्या मूवी लगी है, फिर आएगा प्लान सोचते हैं। अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं आगे। हे गाइस, तो मैं आ चुका था रूम उस टाइम, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा नैप लिया, और फिर सिन्ना सर का कॉल आ गया था, तो उनसे लगभग एक घंटे तक आज बात हुई लंबी अच्छी खासी। मतलब जितने भी उनके स्कूल में जो जो चल रहा है वो मुझे अपडेट दे रहे थे, और हमारे स्कूल के अपडेट्स में उनको दे रहा था। तो ऐसे ऐसे बात करते करते तो 1 आवर से ज़्यादा बात हो गई हमारी। उसके बाद फाइनली उनका फ़ोन रख कर मैं थोड़ी देर नैप लिया, फिर अब रेडी हो गया मैं वापस से। अभी है मूवी टाइम, तो अभी चलने हैं अपन मूवी देखने। स्पाई मूवी लगी हुई है यहाँ पर पाची सिनेमा में, मैंने पता कर लिया है, तो चलते हैं वहाँ और फिर आपको बताते हैं मूवी कैसी है। अभी पहले निकलते हैं, लगभग 3 बजने वाले हैं, तो कहीं शो शुरू मत हो जाए। वैसे तो वहाँ पर कितनी भीड़ होती है, क्योंकि बालू जैसा सिटी है ना, जहाँ पर मतलब मूवी का उतना क्रेज़ नहीं रहता, मतलब गिने चुने मूवीज़ ही होती हैं जिनका अच्छा खासा क्रेज़ रहता है और हाउसफुल चलते हैं, बाकी तो मौसम ठंडा ही रहता है। तो चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर कैसा माहौल है, आपको दिखाता हूँ मैं। तो अभी के लिए निकलते हैं फटाक से, हो गया रेडी। और फाइनली 2-3 दिन के लगातार बारिश वाले माहौल के बाद आज हो चुकी है धूप थोड़ी सी, तो अच्छा लग रहा है मौसम, ठंडी हवा चल रही है इधर भी अच्छी खासी, और बस निकलते हैं अपन, हो गया टाइम। तो दोस्तों मैं आ गया मूवी देखने, ये है बाजू में है सुमित बाजार, और अभी ऊपर चलते हैं, बहुत तेज हवा चल रही है आज, ऊपर चल कर देखते हैं क्या माहौल है। वैसे तो ज़्यादा सारी बाइक्स वगैरह खड़ी नहीं है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि आज भी ज़्यादा भीड़, ऊपर चल के बात करते हैं। आ गया हूँ लिफ्ट में, और दिख तो नहीं रहा है, नीचे क्या जा रही है, बुलाया था, ठीक है ऊपर चलते हैं फिर मिलते हैं। तो भैया जी बता रहे हैं कि सुबह वाला मूवी अच्छा चला है, अभी का शो में भी लोग आ गए हैं, तो देखते हैं अभी का शो कैसा रहता है मूवी यहाँ। और ठीक ठाक भीड़ तो लग रही है, ये हमारे भैया हैं टिकट काउंटर में, टिकट ले लिए हैं, चलते हैं। स्टार्ट हो गया क्या? नहीं नहीं, तो पहुँच गए अंदर अपन, चलते हैं। अब यहाँ पर भी सब अंदर चले गए हैं, अभी है नहीं, तो पहले आते हैं वॉशरूम से, फिर चलेंगे अंदर। सेट फॉर द मूवी, चलते हैं मूवी एंजॉय करते हैं, फिर आपको बताते हैं रिव्यू। गाइस सोच का इंटरवल, और मैं अपने पॉपकॉर्न से रेडी हूँ आगे की मूवी एंजॉय करने के लिए। गाइस अभी हो चुका है इंटरवल, और अभी तक तो मूवी ऐसी है कि एक स्पाई मूवी है ना, जिसमें एक स्टोरी ऐसा बेसिक स्टोरी ऐसा है कि जो हीरो है उसका बड़ा भाई भी स्पाई रहता है, और वो किसी मिशन पर जाकर मतलब मर जाता है वो, है ना, मतलब कुछ गुंडे रहते हैं जो उनको मार देते हैं। उसके बाद वो पता है कि हीरो भी स्पाई बन जाता है, और बीच में स्टोरी थोड़ी सी खिंची खिंची है, तो पहले तो इंट्रोडक्शन ही है और बहुत सारे एक्शन है, एक्शन सीक्वेंस को अच्छा शूट किया गया है, और मतलब बस स्टोरी कहीं पर खींची खींची है, वहाँ पर तो शॉर्टकट में निपटाया जा सकता था, वो एक थोड़ा सा लूज पॉइंट। बाकी अभी तक तो स्टोरी इंटरेस्टिंग है, और ये बेसिकली सुभाष चंद्र बोस की जो बैक स्टोरी हिस्ट्री थोड़ी सी उसको एक्सप्लोर करती है, क्योंकि उनके बारे में हिस्ट्री में ज़्यादा लिखा नहीं गया है, ऐसा मूवी बता रही है, तो उस बीच जो हिस्ट्री है उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश की गई है। और अभी तो मतलब इस लोग एक मिशन पे है, जहाँ पर एक आतंकवादी है जो हमला करना चाहता है इंडिया पे, तो उसको पकड़ने के लिए इन लोग निकले हैं मिशन पर। तो जो बेसिकली अभी तक इंटरवल तक कहा जाए ओवरव्यू, तो एक्शन सिक्वेंसेस ये ज़्यादा आती है, बीच बीच में एक सॉन्ग है बस, वो सॉन्ग भी मेरे को लगा अननेसेसरी है, उसमें हीरो और हीरोइन की इसकी जो रोमांस उसको दिखाया गया है, लेकिन अल्टीमेटली वो मतलब एक एजेंट निकलती है हीरोइन, और उनका लव स्टोरी वहीं पर एंड हो जाता है, फिर बाद में जाकर वो लोग फिर से मिलते हैं। तो वो सॉन्ग एक बस लगा कि अननेसेसरी है, बाकी तो जो एक्शन सीक्वेंस है वो परफेक्ट, और जो एक्टिंग है हीरो की और उसके जो साइड एक्टर है जो कॉमेडियन है उसकी भी एक्टिंग काफ़ी अच्छी है। तो अब अभी तक की इंटरवल के आगे इंटरवल तक की स्टोरी मैंने आपको थोड़ा समझा दी है, उसका रिव्यू कैसा रहा, अब मेन स्टोरी जो इंटरवल के बाद शुरू होगी, तो देखते हैं कैसी रही आगे स्टोरी, उसके बाद आपको बताते हैं। तो चलते हैं अभी अंदर, और फिर मूवी ख़त्म होने के बाद आपको देखते हैं पूरी मूवी की रिव्यू। 2000 years later.
तो गाइस मूवी हो चुकी है कंप्लीट और सेकंड पार्ट मतलब इंटरवल के बाद जो मेन सस्पेंस है मूवी का और मेन जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है। और इसमें सुभाष चंद्र जी की हैं जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, उनके बारे में जो हिस्ट्री में हमको बताया जाता है एक्चुअली में वो 1945 में उनकी डेथ हो गई थी और ऐसा वॉर वगैरह, तो उसकी बिहाइंड स्टोरी बताती है कि एक्चुअली में वो हुआ था कि नहीं और एक्चुअल स्टोरी क्या है। और एक कोहिमा से रिलेटेड एक किस्सा है कि कोहिमा में उन्होंने एक बेस बनाया था अंग्रेजों से लड़ने के लिए, जो आज़ाद हिंद फौज बनाया था उन्होंने, उसके उसी का मतलब एक पार्ट था वो, तो वहाँ की स्टोरी को एक्सप्लोर की गई है इस मूवी में। और बहुत ही अच्छी स्टोरी लाइन है जो सेकंड हाफ फर्स्ट हाफ में थोड़े से सेटअप करने के लिए मतलब स्टोरी को सेटअप करने के लिए जो कुछ कुछ पार्ट को एक्सटेंड किया गया है जो पीछे की स्टोरी में फर्स्ट हाफ में बताया था, लेकिन सेकंड हाफ में जो एक्शन है बहुत ही बेहतरीन एक्शन है और जो कोरियोग्राफी की गई है एक्शन की बहुत ही बेहतरीन की गई है और मतलब जो सिनेमाटोग्राफी और कैमरा एंगल्स हैं उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज़ किया गया है। और लास्ट में एक अल्टीमेटली वही होता है इस फाइव में कि कोई ना कोई एक रहता है अटैक करने वाला रहता है या इंडिया पे इंडिया के लिए कोई थ्रेट रहता है उसको रिजॉल्व करते हैं, तो वही अल्टीमेटली मूवी थी। लेकिन इसमें मेन था कि वही सुभाष चंद्र बोस जी की स्टोरी को एक्सप्लोर किया गया और बीच में राणा चक्रवर्ती का भी इसमें कैमियो है जो जिन्हें मतलब वो मेन पर्सन है जो स्टोरी बताते हैं जो सुभाष चंद्र बोस जी की है और बिहाइंड द सीन्स हुआ क्या था एक्चुअली उस टाइम, जिसको हमारे हिस्ट्री में कभी पढ़ाया नहीं गया ना ज़्यादा बताया जाता है। तो एक्चुअली वही है मूवी और मूवी बहुत ही बेहतरीन है, जो परफॉर्मेंसेस हैं एक्टर्स की और एक्ट्रेसेस की बहुत ही बढ़िया है, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप ये मूवी ज़रूर देखें। और इस टॉपिक में मैं और पढ़ना चाहूँगा तो मैं अभी जाकर अपने घर में रिसर्च करूँगा कि एक्चुअल में क्या था, गूगल में जितना चीज़ें मिल जाए या यूट्यूब में जो भी होगा तो मैं एक बार इसमें रिसर्च करना चाहूँगा, मतलब इंटरेस्ट आ गया इस टॉपिक पे मुझे। तो मेरी तरफ से इस मूवी को मतलब बहुत ही मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि अच्छी मूवी है, आप ज़रूर देखें और हमारी हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानने मिलेगा। तो अभी हो चुकी है हमारी मूवी कम्प्लीट, अब चलते हैं वापस से रूम और शाम हो चुकी है। ये मूवी 2 घंटे लगभग की है लेकिन मतलब अच्छी मूवी है, तो अब चलते हैं रूम और देखते हैं आगे क्या प्लान हो सकता है। तो दोस्तों मैं मूवी देखकर आ चुका था रूम और रूम में थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद अब टाइम हो गया है चाय पीने का। और आज संडे तो आज एक्सरसाइज भी नहीं हुई है सुबह, तो वॉक करनी ज़रूरी है आज, तो अभी चलते हैं चाय पीते हैं फिर थोड़ी सी वॉक करते हैं फिर मे बी डिनर का देखते हैं क्या है आज का प्लान, तो अभी चलते हैं पहले चाय पीने। तो दोस्तों आज दिन में दूसरी बार मैं आ चुका हूँ मिस्टर के घर, आज भाभी जी डिनर पर भी इन्वाइट किए मुझे, तो चलते हैं और देखते हैं आज डिनर में क्या क्या स्पेशल बनाई है और मिलते हैं भाभी जी से फिर से एक बार। अपनी पेट पूजा करने से पहले अमित सर मछलियों की पेट पूजा कराते हुए जैसे ही 7:30 होता है इनका मूवमेंट तेज हो जाता है क्योंकि इनको खाने की तलाश रहती है और खाना डल चुका है और सारी मछलियाँ खुश हो चुकी हैं, पार्टी हो रहा है आज उन लोग का, रोज ही होता है इनका पार्टी होता है। 2 मिनट के अंदर इतना सारा चारा डाला है पूरे 2 मिनट सत्र फैला हुआ है, 2 मिनट में पूरा गायब हो जाएगा, इतना फास्ट खाते हैं इन लोग। तो हम लोग बैठ चुके हैं डिनर टेबल पे और आज के मेन्यू में है भिंडी, पनीर सब्जी, दाल, पूड़ी, पापड़ और भैया बैठ चुके हैं और अमित सर ही बैठ चुके हैं। तो हम लोग अपना इन लोग को फिर से रुकवा कर रखा हूँ मैं व्लॉग बनाने के लिए। और ये हमारे भैया जी के साले साहब, तो हम लोग बैठे हैं सब खाने के लिए और अपना आज का डिनर एंजॉय करते हैं, फिर आपको बताते हैं आज का कैसा है। वैसे तो एज ऑलवेज टेस्टी लग रहा है सब। तो दोस्तों हो चुके हमारा डिनर और थैंक यू अमित सर 2 टाइम आज मेरा सुबह और शाम को बढ़िया बनाने के लिए वो तो अक्सर आते ही रहे करो मैं बिल्कुल बिल्कुल बालोद में आपका दूसरा घर यही है। बिल्कुल ये मेरा दूसरा घर है बालोद में, एक घर मेरा अपने गांव में है और एक घर यहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों आज के व्लॉग के बस इतना ही, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेयर करें और अगर आप मैं भी कहना चाहता हूँ अपने सभी दोस्तों से कि भाई बहुत ही अच्छा व्लॉग बनाता है और इनके ब्लॉग को बिल्कुल लाइक करें शेयर करें और जितना हो सके सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो दोस्तों ठीक है मिलते हैं कल के ब्लॉग में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।